विगत एक सप्ताह पूर्व संजय गांधी चिकित्सालय में ऑपरेशन के दौरान किशोरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और इस दौरान परिजनों के बुलाने पर पहुंचे कांग्रेसी नेता व निवर्तमान पार्षद विनोद शर्मा सहित उनके साथियों पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज कर दी गई थी, जिसके बाद आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले को निष्पक्ष जांच करा। अमैया थाना प्रभारी द्वारा द्वेषपूर्ण की गई इस कार्रवाई पर उन्हें हटाने की मांग को लेकर रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे। रीवा पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मृतक के परिजन भी वहां पहुंचे और उन्होंने इस बात का समर्थन किया, साथ ही लापरवाह चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उपस्थित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने जनता से अपील की कि अगर दुर्घटना एवं अन्य किसी घटना में किसी की मौत हो जाती तो पहले पोस्टमार्टम करना अति जरूरी है, ताकि कोई भी साक्ष्य मिटे नहीं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं IG उमेश जोगा ने जांच का आश्वासन दिया। प्रस्तुत है जानकारी के अनुसार SP साहब मौजूद थे, आप CSP से करवा दीजिए, CSP से आप जांच कराइए, CSP से आप इसकी जांच कराइए। और सर क्या मामला लेकर आए? ये मामला है 16 तारीख को एक आंचल विश्वकर्मा बच्ची है, जिसका संजय गांधी अस्पताल में उसके कान का ऑपरेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से उसके ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया गया और उसकी डेथ हो गई, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई विनोद शर्मा जी, KP दादा, ये उनके पैर पिताजी इनके घर आए, जिसमें उन्होंने इनसे मदद मांगी, ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं, इनसे मदद मांगी गई और ये जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, जिसमें इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इस तरह की का भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से रीवा में लचर हो चुकी है और फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इसमें डॉक्टर दोषी है, जो बच्ची के अशरफ खान डॉक्टर है, जो बिल्कुल दोषी पाया गया। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि गलत ऑपरेशन के कारण बच्ची की डेथ हुई है, आंचल की डेथ हुई है, जिसका आप लोगों के प्रिंट मीडिया द्वारा ही ये सारी चीज़ें पेपर में भी छापी गई हैं। आप सभी और सारे वरिष्ठ अधिकारी सभी कोई इस मामले से बिल्कुल अवगत है, ये कोई मामला छुपा हुआ नहीं है। जब ये मामला सही है तो आप लोगों के ऊपर FIR क्यों कर दी गई, फर्जी मुकदमा क्यों दायर कर दिया गया, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। जिले में खुलेआम शराब की पैकारी हो रही, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा, और ये सब मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पुलिस के सह पर चल रही, इसको लेकर हम लोग बिल्कुल IG साहब से मिलने आए हैं और अपनी बात रखेंगे। PM रिपोर्ट जो है तो इसका विवरण पेपर पे दिया हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि गलत ऑपरेशन के कारण आंचल की मौत हुई है, कान की जगह ब्रेन का हुआ। FIR ये सहयोग करने गए थे भाई, उनके सहयोग जो हमें अभिभावक परेशान थे, आपके पास मदद मांगने आए, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो हॉस्पिटल जाएगा, लोगों की हक की लड़ाई लड़ेगा। एक ऑपरेशन के दौरान एक हुई मृत्यु को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसको लेकर अमैया थाने में एक अपराध कायम हुआ था, उसी को लेकर ये लोग ज्ञापन देने आए थे कि इनके खिलाफ गलत मामला कायम हुआ है। मैं सदैव इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कोई भी मृत्यु होती है तो जितना बेहतर जितना जल्दी उस मामले में PM हो जाए, एविडेंस कलेक्शन और अपराधियों को दंड दिलाने में उतनी ही मदद मिलती है। और ये सिर्फ ये पुलिस का कर्तव्य नहीं है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति की चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में मृत्यु होती हो, चाहे हत्या हो, चाहे इलाज के दौरान हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे सामान्य मौत हो, कोई भी मौत हो, हर मौत में PM का बहुत महत्व होता है और PM समय से होना चाहिए। और PM समय से कराने में थाना प्रभारी को ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने समय से PM न होने में बाधा उत्पन्न की थी, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, जिस पर ये मामला कायम हुआ था। चूँकि मौके पर इनका कहना है, संबंधित पक्ष का, कि CSP साहब मौजूद थे और इनकी इच्छा अनुसार CSP साहब को जांच दी गई है, तो जांच में जो तथ्य आया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से शहर के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसमें पोस्टमार्टम होना है या मेडिकल होना है, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी करना है करें, लेकिन PM और मेडिकल समय से होने देना चाहिए, ताकि सही तरीके से एविडेंस पता चले और पीड़ित व्यक्ति की अधिक से अधिक मदद मिले।